देश के एक बड़े राजनेता के मोबाइल फोन पर एक वीडियो कॉल आता है। उस वीडियो कॉल में कुछ अश्लील तस्वीरें नजर आती हैं, जिसके बाद वीडियो कॉल कट किया जाता है और सेक्सटॉर्शन का मामला दर्ज कराया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सेक्सटॉर्शन है क्या और देश के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई सारे राजनेता, बड़े बड़े अफसर सेक्सटॉर्शन का शिकार हो चुके हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। बीते दिनों खबर आती है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के फोन पर एक अश्लील वीडियो कॉल आता है, जिसके बाद सेक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया जाता है। और बीते दो दिन पहले राजस्थान के भरतपुर से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। बिल्कुल इससे पहले 20 तारीख को मामला दर्ज किया जाता है कर्नाटक से, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जी एम सिद्धेश्वरा को भी सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया गया था। लगभग 1.5 साल पहले भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के फोन पर भी बिल्कुल ऐसा ही एक अश्लील वीडियो कॉल आता है, जिसके बाद सेक्सटॉर्शन का मामला दर्ज कराया जाता है। अब जरा पहले हम समझेंगे कि आखिर सेक्सटॉर्शन है क्या। असल में किसी भी व्यक्ति के मोबाइल फोन पर एक अश्लील वीडियो कॉल आता है। वो वीडियो कॉल लगभग 3 से 4 सेकंड तक चलता है। जब तक व्यक्ति उस वीडियो कॉल के बारे में कुछ समझ पाता है, वीडियो कॉल कट होता है, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होती है और उसे ब्लैकमेल किया जाने लगता है। उसे धमकी दी जाती है कि आपकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाएगी, इसकी एवज में आपको इतना इतना अमाउंट, इतना इतना पैसा देना होगा। जिस तरह से एक्सटॉर्शन होता है, मतलब जबरदस्ती वसूली करना, बिल्कुल उसी तरह से सेक्सटॉर्शन भी होता है। जब हम तीनों मामलों को देखेंगे, राजनेताओं को जब सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया गया था और जब पुलिस प्रशासन ने इनके आरोपियों को पकड़ा, तो ये सारे के सारे आरोपी राजस्थान से हैं। मतलब प्रहलाद पटेल मामले के आरोपी भी भरतपुर से गिरफ्तार किए गए, साथ ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मामले के आरोपियों को भी भरतपुर से गिरफ्तार किया गया था। एक रिसर्च के अनुसार सबसे बड़ा सिंडिकेट, सबसे बड़ा पूरा खेल अगर सेक्सटॉर्शन का कहीं चल रहा है, तो वो राजस्थान के मेवात जिले से चल रहा है। जब पुलिस प्रशासन ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो आरोपियों ने बड़े बड़े खुलासे किए। आरोपियों ने बताया कि हम दो प्रकार से लोगों को सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाते हैं। पहला, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े ऑफिसरों की लिस्ट निकाली जाती है। उस पूरी लिस्ट में से बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े ऑफिसरों को हाईलाइट किया जाता है। उनके मोबाइल फोन पर, उनके व्हाट्सएप पर, उनके फेसबुक पर, उनके इंस्टाग्राम पर पहले मैसेज भेजा जाता है। उस मैसेज में उनकी जान पहचान के लोगों के नाम बताए जाते हैं, जिसके बाद उनसे थोड़ी देर तक हल्की फुल्की चैट की जाती है। चैट होने के बाद अचानक से एक वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल में कुछ अश्लील तस्वीरें नजर आती हैं, जिसके बाद उस तस्वीरों को ऑनलाइन रिपोर्ट किया जाता है और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ किसी के पास अचानक से एक वीडियो कॉल आता है, व्यक्ति वीडियो कॉल को उठाता है, वीडियो कॉल में अश्लील तस्वीरें नजर आती हैं। जब तक व्यक्ति उस पूरे मामले को समझ पाता है, अचानक से वीडियो कॉल कट जाता है और लगातार उस सामने वाले व्यक्ति से पैसों की मांग की जाती है, उसे ब्लैकमेल किया जाता है। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा सिंडिकेट चलाने के लिए तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, इस सिंडिकेट में कई सारे आईटी प्रोफेशनल्स काम करते होंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी पुलिस प्रशासन इन आरोपियों को पकड़ने पहुंचता है, तो ये आरोपी कभी सरसों के खेत में, कभी चने के खेत में, कभी गेहूं के खेत से गिरफ्तार किए जाते हैं। साथ ही झोपड़ी में 4 मोबाइल फोन के साथ एक लैपटॉप पर काम करते हैं और ये सारे के सारे आरोपी पूरी तरह से अनपढ़ रहते हैं, लेकिन इनका दिमाग फितूरी होता है। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले जामताड़ा की कहानी आपके सामने आई थी, बिल्कुल इसी तरह से राजस्थान में इस समय सेक्सटॉर्शन का सिंडिकेट चलाया जा रहा है। तो वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में प्रतिदिन 500 से ज्यादा लोग सेक्सटॉर्शन का शिकार होते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के पास इस बात की शिकायत महज 0.5% लोग ही करते हैं। दूसरे लोगों को अपनी बदनामी का डर रहता है या फिर इस मामले को बड़े ही
लाइटली लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अल जजीरा ने बताया है कि जिस किसी भी सामान्य व्यक्ति, किसी गरीब व्यक्ति को जब सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया जाता है, तो वो शिकार बनने के बाद जब ब्लैकमेल होने लगता है तो वो रोज आत्महत्या करने का विचार बनाता है, और धीरे धीरे कर जब भी किसी के ऊपर ये सेक्सटॉर्शन के मामले हावी होने लगते हैं तो वो आखिर में आत्महत्या कर लेते हैं। अगर इसी प्रकार से आपके मोबाइल फोन पर भी कभी अश्लील वीडियो आता है तो घबराइएगा नहीं, तुरंत जाकर अपने नजदीकी पुलिस थाने में इस बात की जानकारी दीजिए। जब तक हम जानकारी नहीं देंगे तब तक इस सिंडिकेट का, इन आरोपियों का खुलासा नहीं हो सकता। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।